जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे लॉकडाउन ने कैसे कोरोना की चाल पर लगा दिया ब्रेक, साथ ही बताएंगे सरकार ने आज से ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोलने की दी इजाजत। लेकिन सबसे पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। सरकार ने लोगों को दी दो बड़ी राहत, रिहायशी इलाकों में और नगर निगमों में दायरे में आज से दुकानों को खोलने की इजाजत, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आदेश लागू नहीं। 3 मई तक बाजारों में नहीं खुलेंगी दुकानें, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्स को भी फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन का साफ दिख रहा है असर, अब 10 दिन में डबल हो रहे हैं मामले, आने वाले समय में 14 दिन में डबल हो सकते हैं केस। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक सरकार ने सही समय पर किया लॉकडाउन का फैसला, नहीं तो अब तक कुल केस की संख्या 1 लाख होती। कोरोना के केस में एक दिन में सबसे ज्यादा इजाफा, सामने आए 1752 नए मामले, कुल कंफर्म केस की संख्या 23,452। देश में 24 घंटे में कोरोना से 37 लोगों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 724। कोरोना रिकवरी रेट 20% से ज्यादा हुई, 24 घंटे में 491 लोग ठीक हुए, अब तक 4,813 मरीज घर लौटे। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, 80 जिलों में 14 दिन में नया मामला नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से बात की, कहा हालात काबू में, कोरोना से केवल 3% मौत जबकि रिकवरी रेट 20%। गृह मंत्रालय ने 4 हॉटस्पॉट अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई की हालत को बताया गंभीर, हालत की समीक्षा के लिए भेजी 4-4 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करेंगी। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर ने दिया था बयान, अगर 4 दिन में केस दुगने हो रहे हैं तो मई के अंत तक गुजरात में होंगे 8 लाख केस। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर ने अपने बयान पर सफाई दी, कहा डबल रेट को हम 8 दिन तक लाए, 10 से 11 दिन तक लाना लक्ष्य। गुजरात में कोरोना में तेजी जारी, 24 घंटे में 191 नए केस आए, कुल आंकड़ा 2,815 हुआ। गुजरात में एक दिन में कोरोना ने ली 15 लोगों की जान, अहमदाबाद में 14 लोगों की मौत, राज्य में अब तक 127 लोगों की कोरोना से मौत। गुजरात का नंबर 1 हॉटस्पॉट बना हुआ है अहमदाबाद, 24 घंटे में 169 कंफर्म केस, अभी तक कुल 1,821 मामले दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के 394 नए मामले सामने आए, टोटल पॉजिटिव केस की संख्या हुई 6,817, मुंबई में 11 लोगों समेत पूरे राज्य में 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मुंबई में आना जारी, 357 नए मामले दर्ज, कुल कंफर्म केस की संख्या 4,589। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, पॉजिटिव केस बढ़कर 220 हुए, अब तक 14 लोगों की मौत। धारावी में पब्लिक टॉयलेट बंद करने की सलाह, क्वारंटीन की नई सुविधा देने के निर्देश, केंद्रीय टीम ने धारावी समेत वडाला, भिवंडी का दौरा किया। पुणे में कोरोना का आंकड़ा 1,000 के पार, सामने आए 109 नए मामले, एक दिन में 5 लोगों की मौत। नासिक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 134 हुई, नासिक के कुल पॉजिटिव केस में 118 मालेगांव के, अभी तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। बॉलीवुड अभिनेत्री अनीता राज के खिलाफ खबर, पुलिस स्टेशन में FIR, लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार, 24 घंटे में कोरोना के 138 नए केस, एक दिन में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के सरकारी अस्पताल बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पर कोरोना का कहर, अभी तक 11 डॉक्टर समेत 31 स्टाफ को कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में एम्स के गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर और नर्स समेत 40 लोग क्वारंटीन, नर्स का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना की मार, CRPF और RPF के 9 जवान चपेट में आए। शाहदरा के मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, 11 अप्रैल को एक बुजुर्ग की हुई थी मौत। दिल्ली जू में टाइगर कल्पना की मौत कोरोना से नहीं, सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, किडनी फेल होने के कारण हुई मौत। यूपी में कोरोना के 111 नए केस आए सामने, कुल मरीजों की संख्या 1,604 हुई, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। कानपुर में एक दिन में बढ़ गए कोरोना के 31 मामले, अब तक 144 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। नोएडा में कोरोना के 6 नए मामले, पॉजिटिव केस बढ़कर 109, गाजियाबाद में नहीं सामने आया कोई नया मामला। नोएडा बॉर्डर सील करने का असर, पुलिस ने एम्स के स्टाफ को DND फ्लाईवे पर दिल्ली की तरफ जाने से रोका, अफरा तफरी की स्थिति। लखनऊ के बिरहना में केवल ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव, ऑपरेटर के 30 करीबियों का सैंपल लिया गया, पूरा इलाका सील। मध्य प्रदेश में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए, सबसे ज्यादा 36 केस भोपाल में बढ़े, अब तक राज्य में 92 लोगों की मौत। भोपाल में 55 लोगों ने कोरोना को दी मात, चिरायू अस्पताल से अपने घर को हुए रवाना, भोपाल के
34, विदिशा के 13, इटारसी के 8 मरीज से भर्ती। इंदौर के इंडेक्स अस्पताल से भी अच्छी खबर सामने आई, कोरोना के 25 मरीज अपने घर पहुंचे, डॉक्टरों ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन की पहचान, 20 इलाके बेहद खतरनाक। राजस्थान में 2000 के करीब पहुंचा कोरोना का मामला, टोटल केस की संख्या हुई 1964, अभी तक 30 लोगों की मौत। जयपुर में 3 और कोरोना मरीजों की हुई मौत, अब तक 30 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले, 3 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 18। बंगाल का दौरा कर रही केंद्रीय टीम ने बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट, कोरोना से हो रही मौत का ऐलान करने वाली ऑडिट कमेटी के कामकाज का ब्यौरा देने को कहा। बंगाल के मुख्य सचिव के मुताबिक ऑडिट कमेटी ने 57 मौत की जांच की, 39 अन्य लोगों की मौत दूसरे कारणों की वजह से हुई। बिहार में कोरोना के केस में सबसे लंबी छलांग, एक दिन में 53 नए मामले सामने आए, कुल आंकड़ा 223 तक पहुंचा। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में बड़ा बिहार का आंकड़ा, जमालपुर में 30 लोगों में कोरोना फैला, बक्सर जिले के एक गांव में 14 पेशेंट्स। बिहार में सिर्फ 7 कोरोना मरीजों ने 121 लोगों तक पहुंचाया वायरस, सिवान, नालंदा और मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति कोरोना के संकट के दौरान एक महीने में बनाएगी 10,000 वेंटिलेटर, कंपनी ने AGVA हेल्थ केयर के साथ मिलाया हाथ। देश में 7.5 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया, IT मिनिस्टर संजय धोत्रे का दावा। आज से पाक महीने रमजान की शुरुआत हुई, देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखा चांद। देश भर में चांद देखे जाने का हो रहा था इंतजार, शाम को चांद कमेटियों ने किया चांद देखे जाने का ऐलान, शाही इमाम ने भी कहा शनिवार को रखा जाएगा पहला रोजा। रमजान शुरू होने का ऐलान होते ही दिल्ली के कई बाजारों में बाहर निकले लोग, रोजा से जुड़े सामान की खरीदारी करते नजर आए। दिल्ली के चांदनी महल और लाल कुआं के DM और GCP सेंट्रल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की। दिल्ली के आजाद मार्केट में भी DCP नॉर्थ मोनिका भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, रमजान में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। मुंबई में भी शिवाजी नगर समेत कई इलाकों में लोग रमजान की खरीदारी करने के लिए निकले, पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। मेरठ समेत कई शहरों में मौलानाओं ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की, नमाज वहीं पढ़ने की अपील की, लॉकडाउन के नियमों को मानने को कहा। गोरखपुर में भी पुलिस ने गलियों के अंदर निकाला फ्लैग मार्च, रमजान के दौरान घरों के अंदर नमाज पढ़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान की मुबारकबाद दी, कोरोना पर जीत की दुआ की। रमजान के लिए कश्मीर में जरूरी सामान की 50,000 किट तैयार, प्रशासन ने कहा लोगों को दिक्कत ना हो इसका पूरा बंदोबस्त। यूपी के सैफई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, गेट न खुलने के कारण इटावा से सैफई PGI शिफ्ट किए गए 69 कोरोना मरीज घंटों सड़कों पर टहलते नजर आए। दिल्ली से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज, नोएडा बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया, पूर्वी दिल्ली के अस्पताल से गाड़ी से भाग रहा था। यूपी के बहराइच में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले उसके घर पर हुई थी पार्टी, 50 से ज्यादा लोग हुए थे पार्टी में शामिल लोगों में संक्रमण फैलने का शक। झारखंड के गोड्डा में जुमे की सामूहिक नमाज रोकने गई पुलिस पर पथराव, 2 कांस्टेबल जख्मी, पथराव के 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, 2 मौलवियों समेत 32 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के अररिया में फारबिसगंज में सरपंच ने कानून को दिखाया खेंगा, लॉकडाउन में पंचायत कर प्रेमी जोड़े की कराई शादी। यूपी के शामली में लॉकडाउन में निकाह के लिए बारात से इनकार पर लड़की पक्ष ने बुलाई पंचायत, दूल्हे पक्ष का हुक्का पानी बंद करने का फैसला, पुलिस ने 28 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में सड़क पर लोगों का हंगामा, सब्जी की मांग को लेकर महिला पुरुष निकले बाहर, इलाके में प्रशासन लगातार राशन की कर रहा है सप्लाई। कोटा में दर्जनों लोगों के साथ SHO का जुलूस, दरोगा पवन मीणा को माला पहनाकर साथ में चलती नजर आई भीड़। नागपुर जिला कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, अनाज बांटने के कार्यक्रम में हुई धक्का मुक्की। कर्नाटक के दावणगेरे में BJP MLA ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन किट देने से पहले आशा वर्कर्स को किया संबोधित। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, बाजार में उमड़ी भीड़। मुंबई के भाईखला सब्जी मार्केट में लोगों ने एक दूसरे से बनाई दूरी, बिल्कुल भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। मुंबई से सटे मीरा भयंदर में ठाणे पुलिस का गाड़ियों का निकला काफिला, इलाके के लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस का स्वागत किया। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पीड़ित के इलाज का सकारात्मक नतीजा सामने आया, CM केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। ट्रायल के तौर पर LNGP में 4 कोरोना पेशेंट्स का मंगलवार से चल रहा था प्लाज्मा थेरेपी से इलाज, 2 मरीज ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए, बाकी 2 की हालत भी अच्छी।
इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज के डायरेक्टर एस के सरीन की अपील, कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा दान के लिए आगे आए। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगे योगी सरकार, 14 दिन क्वारंटीन में रह चुके लोगों की ही होगी वापसी। यूपी में लौटने पर मजदूरों को 14 दिन घर में आइसोलेशन में रहना होगा, मजदूरों को 1000 कैश और महीने दिन का राशन देगी यूपी सरकार। दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वापसी के फैसले का प्रियंका ने किया स्वागत, बाकी मजदूरों के लौटने की योजना भी बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी की को मंजूरी दी, कंटेनमेंट जोन में एंट्री पर जारी रहेगी रोक। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे मजदूरों का जॉब कार्ड बनाने का निर्देश, सीएम नीतीश ने रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पंचायती राज दिवस पर देश के 31 लाख सरपंचों से पीएम मोदी का संवाद, स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के पालन पर ग्रामीणों की तारीफ की, कहा आपका दो गज की दूरी का मंत्र पूरी दुनिया में हिट। पीएम मोदी ने कहा कोरोना ने सबके काम करने का तरीका बदला, आने वाले वक्त में हम आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर रक्षा मंत्री की रिव्यू मीटिंग, कोर कमांडर समेत सीडीएस बिपिन रावत भी बैठक में शामिल। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार, एक दिन में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के कई राज्यों में कारोबार शुरू, जॉर्जिया में खुली कई दुकानें, राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके हैं चेतावनी। घरों पर रहने के आदेश का अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में विरोध, लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए नाराजगी जाहिर की, राज्य में 26 मई तक दुकानें बंद करने का भी आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हैरान करने वाला बयान, कहा डिसइंफेक्टेंट्स के इंजेक्शन से मरेगा कोरोना वायरस। ट्रंप के बयान पर अमेरिकी कंपनियों और एक्सपर्ट ने उठाए सवाल, बाद में ट्रंप ने दी सफाई, मजाक में डिसइंफेक्टेंट के इंजेक्शन वाला दिया बयान। ब्रिटेन में 20,000 के करीब पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, 684 और लोगों की गई जान। पाकिस्तान में 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 9 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। पाकिस्तान के पीएम इमरान के सामने टीवी पर रोया मौलाना, अल्लाह से कोरोना को काफूर करने को कहा। ब्राजील के मानौस शहर से सामूहिक कब्र की तैयारी का वीडियो वायरल हुआ, देश में अभी तक 3,000 लोगों की कोरोना से मौत। इटली में गांवों को डिसइंफेक्ट करने के लिए स्नो कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फायर फाइटर्स टीम ने खोजा इन्फेक्शन रोकने का नया सोल्यूशन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जवानों ने अगवा कांस्टेबल को आतंकवादियों के चुंगल से सही सलामत छुड़ाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और पुलिस की बड़ी कामयाबी, साझा ऑपरेशन में भारी मात्रा में गोला बारूद किए बरामद, 2 AK-47 राइफल्स भी पाई गई। मध्य प्रदेश के धार में लावारिस नोट से मचा हड़कंप, लोगों ने पुलिस को दी सूचना, प्रशासन ने नोटों की जांच भी शुरू की। पंजाब के अमृतसर के वार्ड 27 में लोगों ने किया जाप, हाथों में माला लेकर जप रहे हैं ओम नमः शिवाय। पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर कैंपस के बाहर दुकानों में लगी भीषण आग, 13 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अपने बल्ले को करेंगे नीलाम, कोरोना से लड़ाई में जुटाएंगे पैसे। आईपीएल में आरसीबी को लेकर विराट कोहली का बयान, जब तक खेलूंगा आरसीबी से ही खेलूंगा, डिविलियर्स के साथ इंस्टाग्राम चैट के दौरान किया खुलासा।